Dear student, today we will see about the numericals. It's okay, some numericals we have already given in a there with their solutions. See in your book. Actually, in yesterday period, we have see about the some importance about the electricity and resistivity of the conductor. Yes, and then you studied the account of this point, that time we have got some formulas, and related to that formula, how we use or applicable in our day-to-day life. It's okay, and for studying it, we have some examples we have solved here. It's okay, we already these are the given with their solutions. We have see to that numericals. It's okay, we have learned the numericals actually. We will do the practice it. Okay, so now let us to start the our numericals. The first numerical is given as, it's okay, there are three numericals are the given for our study. Okay, so in first numericals, yes, that's the example. First, a 6 meter long wire made up of an alloy. स्टडी हमने देखा था ऑल मीन्स व्हाट सम्मिश्र यस व्हिच इज मेड अप बाय द नाइक्रोम यस हाउ मीटर इन लॉन्ग दैट इज 6 मीटर इन अ लॉन्ग यस ओके इज शेप्ड इनटू द कॉइल एंड गिवन फॉर ए प्रोड्यूसिंग हीट इसको हमें एक्चुअली क्या करना है उसको कॉइल के शेप में फॉर्म करना है ना कल जैसे कि कॉइल बताए वाले थे जैसे कि कॉइल बोले तो एज लाइक वन सोलेनॉइड्स यस ओके कॉइल एंड आफ्टर द कॉइलिंग इट्स यस It's a shape that is a, as a, like a solenoid as a coil here. It's okay. Given to producing heat. It's okay. How you heat produce karega? Why because produce the heat? Because it is a this alloy. It's okay. And nickel metal just like this and producing the heat. Yes, it has resistance of 24 ohm. Uska resistance kitna hai pe? 24 ohm. Can you we get the more heat if the वायर इज कट इन टू द हाफ देखिए यहाँ पे कंडीशन दी वाली है ना एक्चुअली द गिवन वायर इट इज अ 6 मीटर इन लॉन्ग लेंथ दिस ओके वी हैव कॉइल्ड इट दिस ओके आफ्टर द मेकिंग द कॉइल और द मेकिंग द रेजिस्टर्स दिस ओके एंड वी हैव पास द इलेक्ट्रिक करंट दैट कैन ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस द हीट देयर दिस ओके इट इज वन ऑफ नेचुरली जस्ट लाइक दिस एंड एक्चुअली इन बिटवीन बिकॉज देखिए बेटा सपोज दिस इज बना हुआ 6 मीटर लेंथ वायर इज ऑफ ए नाइक्रोम मेटल एंड वी हैव मेक इट कॉइल्ड एज लाइक दिस अभी मैं इसको कॉइल करूंगा ठीक है दैट इज रेजिस्टर हियर ठीक है कॉइल कर दिया मैंने आफ्टर द कॉइलिंग वी हैव गेट्स द इट्स ओके देयर आर टू फ्री एंड्स आर रिमेनिंग हियर And it's a free ends we have give as a name. One is a A. It's okay. Another is a B. ठीक है तो मैंने यहाँ पे दो name यहाँ पे दिए वाले. First is A and second terminal is B, which are the free terminals of that wire. These are the remaining two free ends. अभी in between two ends, how many currents we have supply here? We have supply the electric current. देखिए बेटा हम यहाँ पे अभी electric current को सप्लाई करेंगे ठीक है तो वो कितना होना जैसे कि अभी यहाँ पे 24 ओम वो कितना है यहाँ पे 24 ओम एक्चुअली 24 ओम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे हाउ हैव डिटरमाइन द 24 ओम तो इसके बीच में ये रजिस्टर जो है ना इसको पैरेलल में हम यहाँ पे क्या लगाएंगे एक वोल्ट मीटर लगाएंगे है ना बेटा अभी इस वोल्ट मीटर को लगाने के बाद एक्चुअली दिस इज बना वोल्ट मीटर ठीक है अभी वोल्ट मीटर क्या करता है व्हाट इज द रोल ऑफ वोल्ट मीटर इन इलेक्ट्रिक सर्किट यस कैन यू टेल यस यू नो यस टेल क्या बता सकते हैं इसको जैसे कि इन बिटवीन टू एंड्स ऑफ द टर्मिनल्स यस ओके हाउ is obtaining the potential difference in between two terminals. It's okay. It is measured by the voltmeter.
सो कैलोरी कितना है, जैसे कि अभी यहाँ पे 24 ओम है, जैसे कि हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक सोर्स है, यहाँ पे बैटरी जैसे ई से इंडिकेट किया जाता है, ये वाला जो है पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है, और ये वाला है निगेटिव है। अक्सर वोल्ट मीटर, यस वोल्ट मीटर टर्मिनल्स पॉजिटिव कनेक्ट टू द बैटरीज पॉजिटिव एंड वोल्ट मीटर निगेटिव टर्मिनल्स कनेक्ट टू द बैटरीज निगेटिव, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड इलेक्ट्रिक सप्लाई वी हैव कंटिन्यू, इट्स ओके, दैट इज वी हैव कंटिन्यू द इलेक्ट्रिक सप्लाई, दैट इज अ करंट आई, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा स्विच लगाना भूल गए, यहाँ पे एक स्विच है, ठीक है, दिस इज अ प्लग की, ऐसे यस हम इसको के से इंडिकेट करेंगे, वी हैव इंडिकेटेड एज अ के हियर, ठीक है। तो जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट जैसे सप्लाई किया जाएगा जाएगा इस नाइक्रोम कॉइल में से, दिस एट एक्चुअली दैट टाइम इट प्रोड्यूस अ हीट हियर, यस ओके, एक्चुअली अभी यहाँ पे हीट बनेगी। तो देखिए तो यहाँ पे क्या बताया कि एक्चुअली हम इसको क्या करना है, जैसे 6 मीटर लेंथ है तो अभी इसको रिड्यूस करना है, जैसे कि हमें इसको 3 मीटर में, जैसे कि 3 मीटर लेंथ को लेकर अभी दूसरी कॉइल यहाँ पे हम बनाएंगे इसे, ठीक है, अभी वो दूसरी कॉइल बनाकर, लेकिन इसकी लेंथ क्या है, अभी यहाँ पे ये लेंथ थी ए सिक्स मीटर लेंथ थी, यहाँ पे कितनी लेंथ यहाँ पे ए 6 मीटर, और यहाँ पे एक्चुअली लेंथ कितनी है, यहाँ पे हम लेंगे टेक्स लेंथ ईयर है 3 मीटर इन लेंथ, ठीक है, एक्चुअली ऐसे दोनों लेंथ है, अलग अलग लेंथ है यहाँ पे लिए वाले, ठीक है। तो एक्चुअली ये लेंथ लेने के बाद जैसे पहले जैसे हमने एक्टिविटी फॉलो की थी उसी तरह से यहाँ पे हम एक्टिविटी फॉलो करेंगे, जैसे कि यहाँ पे एक कितना है ये दूसरी वाली, जैसे कि यहाँ पे 3 मीटर लेंथ है, अब इसको हमने यहाँ पे डायग्राम जैसे कि सर्किट को अरेंज कर दिया और इलेक्ट्रिक सप्लाई सेम होल्ड का या सेम ओहम हमने यहाँ पे क्या कर दिया, उसको प्रोवाइड कर दिया। एक्चुअली अभी यहाँ पे प्रोवाइड करने के बाद अभी एक ओहम इतना ओहम प्रोड्यूस होना है, जैसे इतना ओहम प्रोड्यूस होने के लिए कितना जितनी इलेक्ट्रिक सोर्स वहाँ पे प्रोवाइड करना होगा उतनी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे 24 ओम के लिए, ठीक है बेटा। तो एक्चुअली तो यहाँ पे क्या पूछा है, इज फॉर गेटिंग द एनर्जी The two ends of the wire are connected to the sources with a potential. ये two ends. यहाँ पे potential difference कितना मिलेगा, ठीक है? तो जो potential difference यहाँ पे दिया वाला है इसमें, है ना? ये कितने जैसे कि 6 मीटर के लिए, ठीक है? दिया वाला है, जैसे कि यहाँ पे 220 वोल्ट, ये तो कायम रखना है, सेम रखना है। Actually हमें किस में change करना है? केवल उसके resistivity में यहाँ पे चेंज करना है, हाफ रिड्यूस करना है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हमें पहले क्या करना है, पहले कभी भी हम जैसे प्रॉब्लम में न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं तो सॉल्व करते समय पहले प्रॉब्लम को सही ढंग से रीड करना है, उसको अंडरस्टैंड कर लेना है, फिर इसके बाद हम अभी गिवन, अभी हमें गिवन क्या दिया है, जैसे कि अभी रजिस्टर यहाँ पे ओम रजिस्टर दिया है, आर दिया है, कितना दिया है, दैट इज आर इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें आर कितना मिल रहा है, तो R is equal to 24 ओम, R कितना मिल रहा है आपको 24 ओम, ठीक है, R यहाँ पे 24 ओम मिल रहा है। अगेन यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V कितना दिया है, जैसे कि V दिया है यहाँ पे, V हमें दिया है 220, यहाँ पे कितना दिया है 220, थोड़ा सा इस लिखने में दिक्कत आती है, तो 220 वोल्ट है यहाँ पे। एक्चुअली दिस आर वन ऑफ गिवन डाटा, जस्ट ओके, एक्चुअली इट इज अ कंडीशनल फैक्टर, दिस फर्स्ट कंडीशन इज द वायर वायर होल वायर, होल वायर यानी कि 6 मीटर वाली पहली कंडीशन है ना। सेकंड कंडीशन में क्या था, कॉइल को हमने क्या कर दिया, हाफ कर दिया यानी कि 3 मीटर कर दिया है, ठीक है, 3 मीटर को लेकर, ठीक है, बाकी तो सेम वैल्यूज है, जैसे कि पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है, उसका रेजिस्टिविटी भी सेम है, ठीक है, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं, केवल यहाँ पे हमने क्या चेंज कर दिया, लेंथ ऑफ दैट वायर। तो एक्चुअली लेंथ चेंज करने के बाद हमें जो पावर किस में ज्यादा मिलेगी, या पहली कंडीशन में ए में मिलेगी या दूसरी कंडीशन या बी में मिलेगी, यहाँ पे हम
देखेंगे। एक्चुअली तो देखिए बेटा, जैसे पावर कैलकुलेट करने के लिए हमने कल एक फॉर्मूला आइडेंटिफाई किया था, एक फॉर्मूला ऑब्टेन किया था, जैसे कि P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, है ना, इसी को लेकर अभी हम वैल्यू पुटअप करेंगे। जैसे ऑलरेडी वैल्यू तो मालूम ही है, तो यस वी हैव पुट अप द वैल्यू, तो वी की वैल्यू कितनी है 220, ए वी स्क्वायर है, तो वी हैव पुट द ब्रैकेट स्क्वायर ऑफ 220 अपॉन आर, कितना यहाँ पे 24 है ना। तो एक्चुअली हम इसको जब कैलकुलेट करेंगे, इसको फंक्शन करेंगे, तो हमें ऑब्टेन वैल्यू कितनी मिल रहा है 201 वाट। देखिए एक्चुअली दिस इट्स फॉर अ व्हिच कंडीशन, इट्स फॉर अ होल वायर कंडीशन, दैट इज अ 6 मीटर लेंथ वायर कंडीशन। अगेन वी हैव कट द वायर, दिस वी हैव मेक इट हाफ, एंड अगेन वी हैव डू द फॉलोइंग प्रोसीजर एज अ सेम, इट्स ओके, बट ओनली द चेंज इन लेंथ ऑफ दैट रजिस्टर और द वायर हियर लेंथ, ठीक है। तो एक्चुअली P इज इक्वल टू, वही फॉर्मूला लेना पड़ेगा यहाँ पे, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू 220, इज ओके, ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12, इज गेटिंग वैल्यू इज 403 वैट्स। देखिए बेटा यहाँ वैट हमें ज्यादा मिले, इसका मतलब क्या कि तो एक्चुअली जैसे कि हम वायर को, this means that more heat will be the obtained after the cutting the wire into the half, jaise ki wire ko hum jitna half karenge, this break karenge, utna hi kya hogi uski heat kya hogi yahan pe after cutting, this to yahan pe badhegi, will be the obtained this cutting, this more yani ki zyada hogi, hai na, iska matlab kya raha hai, means the power is okay is this show the this reciprocal to that length of the wire, ये इसके wire के reciprocal से depends होती है, यहाँ पे पढ़ने के लिए हमें मिलता है, ठीक है। बट एक सिंपल सी प्रॉब्लम है, केवल अंडरस्टैंड करते हुए हम यहाँ पे उसको सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं, सिंपल सा। अभी देखिए सेकेंड जो एग्जाम्पल है, चलिए अभी सेकेंड में आते हैं, तो सेकेंड में हमें क्या बताया, एक्चुअली सेकेंड में देखिए पहले हमें पर न्यूमेरिकल्स को सही ढंग से पहले पढ़ना है, समझ के पढ़ना है, केवल पढ़ना नहीं खाली आंखें घुमा के, ठीक है बेटा। चलिए यहाँ पे क्या है, एग्जांपल टू, ए सेल इज कनेक्टेड टू द 9 ओहम रेजिस्टर्स, है ना, एक सेल को हमें क्या करना है 9 मीटर ओहम रेजिस्टर। अभी देखिए एक रजिस्टर है यहाँ पे, ये रजिस्टर है, ठीक है, इस रजिस्टर का ये कितना ओहम का रजिस्टर है, ये 9 ओहम, ये 9 ओहम रजिस्टर है, ये 9 ओहम रजिस्टर, ठीक है। अब यहाँ पे एक्चुअली मेटल नहीं दिया, जैसे कि यस पिछले वाले एग्जांपल में हमें नाइक्रोम मेटल यहाँ पे ऐसे दिया था, यस कॉन्सिक्वेंसली, तो यहाँ पे कुछ ऐसे मेटल्स का या पर्टिकुलरली यहाँ पे कोई ऐसा यहाँ पे नहीं दिया है यहाँ पे, तो भी हमें यहाँ पे एक मेटल है कौन सा तो होगा, उसका ओहम रेजिस्टिविटी कितनी है यहाँ पे 9 ओहम है, ठीक है। तो इसकी प्रोड्यूस जैसे इलेक्ट्रिसिटी हम यहाँ पे सप्लाई करते हैं, तो ये हीट कितना प्रोड्यूस करता है, सप्लाई द इलेक्ट्रिक करंट इस ओके थ्रू द सर्किट इस थ्रू दैट रेजिस्टर्स इन दिस मीन देयर इन बिटवीन टू एंड्स इज ए एंड बी इस ओके द प्रोड्यूसिंग हीट obtaining heat is near about how many, it is a 400 joule, itni minute hai, theek hai, per second, this okay due to the current flowing, jaise hai na ye kyun mil raha hai, kyunki yahan pe current flow hota hai, jaise ki current flow ho to hi heat banegi, kal humne theory mein dekha tha, usi tarah se yahan pe current flow ho raha hai to yahan pe heat banegi, hai na, passing through the air, hai na beta, to yahan pe hame jaise ki voltmeter laga sakte hai, लेकिन वोल्ट मीटर जब लगाएंगे तो कैसे लगाना है, पैरेलल टू द रजिस्टर, है ना बेटा, और जैसे कि मिलीमीटर लगाना है करंट काउंट करने के लिए तो कहाँ पे लगाना पड़ेगा, इन सीरीज टू द सर्किट, सर्किट के सीरीज में मिलीमीटर होता है, मिलीमीटर क्या करेगा करंट को मेजर करेगा, और वोल्ट मीटर क्या करेगा वो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा इन बिटवीन ए एंड बी टू द रजिस्टर्स, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे कौन है, मिलीमीटर है, तो मिलीमीटर क्या करता है यहाँ पे करंट मेजर करता है। एक्चुअली यहाँ पे याद क्या रखना है, इस
battery's positive terminal always connected to milliammeter positives and voltmeter positive. ये ध्यान में रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे गलत हम इसको कनेक्ट करेंगे तो ये पूरा गलत हो जाएगा, सर्किट ही इस गलत हो जाएगा. ठीक है बेटा, तो सर्किट बनाते समय बहुत ही ध्यान पूर्वक इस सही ढंग में उसकी कनेक्टिंग होनी चाहिए. ठीक है बेटा, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द रेजिस्टेंस. अब यहाँ पे दिया वाला क्या है, यहाँ पे गिवन इस हम यहाँ पे जैसे कि वर्क दिया है ना, कितना, जैसे कि यहाँ पे कितना हो रहा है ऑप्टेन हीट, इज ओके, इट इज 400 जूल. ठीक है, पर सेकंड में. अभी देखिए बेटा, हमें यहाँ पे पावर आइडेंटिफाई करना है. वहाँ पे कल फॉर्मूला मिला था ना, डब्ल्यू बाय है ना टी, जैसा होता है क्यू बाय टी, जैसा ऐसे उसी को लेकर अभी यहाँ पे ये 400 क्या बेटा यहाँ पे जूल में, जैसे कि जूल इस डिवाइडेड बाय यहाँ पे एक कोन यहाँ पे, जैसे अभी 1 सेकेंड, कितने सेकेंड में, एक 1 सेकेंड में. तो फॉर्मूला कैसा था, V इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, है ना. चलिए, तो हम यहाँ पे वैल्यू, पावर की वैल्यू कितनी मिल रही है यहाँ पे 400. ठीक है, अभी V स्क्वायर और 9, अभी यहाँ पे V स्क्वायर में आइडेंटिफाई करना है, इसको हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है बेटा, तो यहाँ पे 400 इंटू 9 दिस इज इक्वल टू द V स्क्वायर. अभी देखिए ये V स्क्वायर है, तो यहाँ पे इसको इसको अंडर स्क्वायर में करेंगे, है ना. तो V स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर स्क्वायर रूट 400 इंटू 9. इसको सॉल्व करने के बाद हमें मिलने वाली वैल्यू कितनी मिल रही है, 20 इंटू 3 इज इक्वल टू 60 वोल्ट. देखिए सिंपल सा प्रॉब्लम है. ठीक है, तो इसी तरह से हम यहाँ पे हमने क्या आइडेंटिफाई किया, पोटेंशियल डिफरेंस इन बिटवीन टू टर्मिनल ए एंड बी, है ना, समझ में आ रहा है. तो यहाँ पे हमें जो दिया था, क्या दिया था, पावर दी थी ऑलरेडी, ठीक है, और यहाँ पे रेजिस्टर्स ओम दिया था, है ना, और यहाँ पे इसमें से पोटेंशियल डिफरेंस हमें ए एंड बी टर्मिनल्स में कितना होता है इसको कैलकुलेट करना था. तो सिंपल सा एक फॉर्मूला यूज करके ये यहाँ पे इस इंटीग्रल को सॉल्व कर दिया. देखिए इस क्या लिखा, देखिए 2 मार्क्स लिए, ये हमें एग्जाम में पूछा जाता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, आफ्टर देन वी विल गो टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, दिस थर्ड वन. चलिए, इन द थर्ड न्यूमेरिकल्स इज एक्चुअली अगेन वी हैव रीडिंग. देखिए बेटा, हर एक न्यूमेरिकल्स को अच्छी तरह से रीड करना है, समझ लेना है, और उसके गिवन डाटा को फाइंड आउट कर इस ऑप्टिमम फॉर्मूला में उसको पुट अप करना है. सिंपल से टेक्निक्स होता है उसमें, लेकिन इसे ध्यान पूर्वक करे तो कोई दिक्कत नहीं आती है. ठीक है, तो देखिए थर्ड एग्जांपल में क्या बताया यहाँ पे, एन इलेक्ट्रिकल आयरन यूज एज ए पावर, इट्स ओके, आयरन यानी कि विद्युत इस्त्री है ना बोलते हैं. अभी इसमें इसकी पावर कितनी है, आयरन की 1100 वाट. ठीक है, व्हेन सेट टू हायर टेम्परेचर, ओके, इफ सेट टू लोअर टेम्परेचर. अभी हम इसको क्या करना है, जैसे कि ये जो विद्युत इस्त्री है तो इसको चलाने में कितना वाट लगता है हमें, 1100 वाट इतना लगता है. ठीक है बेटा, अभी जब हम इसको जो दिया वाला निर्धारित किया वाला जो उसका वैट है, पावर है, तो इसको देखिए बेटा, अभी हमें क्या करना है, अभी 330 वैट, यहाँ पे कितना 300, यहाँ पे कितना था 1100 वैट. अभी यहाँ पे हमें थोड़ा सा चेंज करके, अभी यहाँ पे कुछ निर्धारित करके दी वाली दूसरी से अलग सी वैल्यू 330 वैट पावर. ठीक है, तो इन दो पावर्स में जैसे इसको दिए वाले निर्धारित करके दिए वाले हैं, है ना, पहला निर्धारित किया वाला पावर कितना दिया वाला है 1100, और दूसरा निर्धारित किया वाला पावर कितना दिया है 330 वाट दिया है. ठीक है, अभी ये दोनों को लेकर इसमें से जो विद्युत धारा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो है? विद्युत धारा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास होने वाली तो सेम ही होगी वो, जैसे कि ये बड़ा है तो या ज्यादा, ऐसा नहीं, इस पासिंग करंट इज द सेम बिकॉज द सोर्स इज सेम देयर. ठीक है, एंड दैट टाइम इज गेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस इन बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ दैट
बैटरी सर्किट ए इस ऑप्टेनिंग पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिल रहा है यहाँ पे 220 वोल्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या आइडेंटिफाई करना है, तो करंट को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है बेटा, अभी देखिए एक आयरन स्पेस होती है ना, उसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा और एक नेगेटिव टर्मिनल होगा, है ना। इसका दो आयरन है, यहाँ एक ही आयरन है, लेकिन अभी इस आयरन में हमें वैट अलग अलग सप्लाई किया है। पहले में वैट कितना सप्लाई किया था 1100 डिग्री, और दूसरे में कितना, सॉरी वैट में, और यहाँ पे कितना 330 वैट। ठीक है, तो हम यहाँ पे सप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे जो ए है, ए टर्मिनल है ए, और ए वाला टर्मिनल कौन सा है यहाँ पे बी, ऐसे दो टर्मिनल मिल रहे हैं। अभी दोनों टर्मिनल्स में जैसे इलेक्ट्रिक सप्लाई पास करेंगे, तो इसमें से पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना मिल रहा है, एक्चुअली भी हमें यहाँ पे दिया वाला है वो 220 है। ठीक है, वो कितना है 220 है। तो यहाँ पे दैट इज आइडेंटिकल वैल्यूज यस ऑब्टेनिंग फ्रॉम दिस न्यूमेरिकल्स, यस ओके, समझ में आता है। तो यहाँ पे फोल्ड्स में दिया है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है कि हमें आई को आइडेंटिफाई करना है, आई को फाइंड आउट करना है, आई इज इक्वल टू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो आई को फाइंड आउट करने के लिए हमें ओम के लॉ के अनुसार हमें मिलने वाला जो फॉर्मूला था क्या, दैट इज क्या मिल रहा था, आई इज इक्वल टू वी आर, लेकिन हम इसको कन्वर्ट करते हुए हम क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू पी इंटू वी, सॉरी आई इज इक्वल टू पी अपॉन वी इसके रूप में लेंगे। अभी तो देखिए बेटा, यहाँ पे गिवन डाटा, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 220 वोल्ट, पावर यहाँ पे पहले कंडीशन में कितना था 1100 वाट, बी कंडीशन में कितना है यहाँ पे 330 वाट। ठीक है, तो देखिए बेटा, ए कंडीशन में हम पावर को इस वैल्यू को ध्यान में रखते हुए अभी हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो पहले के लिए, पहली टर्म्स के लिए की कंडीशन आई के लिए होगा नंबर वन, दैट इज आई वन। अभी कंडीशन दूसरी के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, आई टू। फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन कंडीशन दो देने के कारण हम यहाँ पे एक के लिए आई वन बोलेंगे और दूसरे के लिए आई टू बोलेंगे, और उसमें वैल्यू पुट अप करेंगे, सिंपल सा है ना। तो चलिए, तो मिलने वाला फॉर्मूला क्या मिलेगा, आई इज इक्वल टू पी अपॉन वी फर्स्ट कंडीशन के लिए, और दूसरे कंडीशन के लिए क्या मिलेगा, आई टू इज इक्वल टू द पी अपॉन वी एक सेकेंड कंडीशन के लिए। अभी उसमें वैल्यू पुट अप करने के बाद हमें उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो पहली की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, यस आई टू की वैल्यू मिलती है 5 एम्पियर, और आई वन की वैल्यू मिलती है 5 एम्पियर, और आई टू की वैल्यू क्या मिलेगी 1.5 एम्पियर हियर। ठीक है, तो रेजिस्टेंस आर वन के लिए वी अपॉन आई वन, और रेजिस्टेंस आर टू के लिए वी अपॉन आई टू। तो यहाँ पे हम रेजिस्टर्स उसका आर भी फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो यहाँ पे आर फाइंड आउट करने के लिए हमें तो मालूम है इसे क्या, V इज इक्वल टू द आई आर, ओम लॉ के अनुसार ही हम यहाँ पे देखेंगे, और V इज इक्वल टू आई आर को लेकर हम यहाँ पे अभी उसको R को फाइंड आउट करने का, तो R को क्या करेंगे, LHS को लेंगे, तो यहाँ पे RHS में क्या होगा, RHS में मिलेगा V अपॉन आई वन, ये देखिए। तो R1 के लिए वही उसी तरह से जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट फाइंड आउट करते करने के लिए जैसे कि I1 और I2 जैसे हमें यहाँ पे सोचा था, उसी तरह से यहाँ पे हम क्या करेंगे, R1 एंड R2 सोचेंगे। ठीक है, R1 इज इक्वल टू V अपॉन आई वन, और R2 इज इक्वल टू V अपॉन आई टू। तो फाइंड आउट करने के बाद ये वैल्यू यहाँ पे मिलेंगे। देखिए बेटा, इसको थोड़ा सा तुम प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अभी हम लास्ट वाले पॉइंट की तरफ आएंगे। तो एग्जांपल फोर में हमें क्या बताया, अभी इसमें एक्चुअली एक देखिए बेटा, एन इलेक्ट्रिक टंगस्टन बल्ब, दिस इज कनेक्टेड टू द होम सर्किट, है ना। अपने घर में जो बल्ब होते हैं इलेक्ट्रिक, तो वही सिचुएशन यहाँ पे दिया वाला है। द होम इलेक्ट्रिक सप्लाई रन्स 220 वोल्ट, ने कल हमने देखा था डोमेस्टिक पर्पस के लिए 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंसेस, एंड व्हेन स्विच ऑन ए करंट ऑफ 0.45 एम्पीयर फ्लो थ्रू द बल्ब, व्हाट मस्ट बी द पावर, यहाँ पे किस में पावर अकाउंट करना है, यहाँ पे वेट, जैसे कि वेटेज ऑफ द बल्ब, यस इफ इट इज केप्ट ऑन फॉर 10 आवर, 10 तास के लिए, 10 घंटे के लिए, इसको हम क्या करेंगे,
उसको चालू रखेंगे, सर्किट को गोवन रखेंगे. यस, हाउ मेनी यूनिट्स इलेक्ट्रिक करंट यस विल बी कंज्यूम्ड देयर, कितना इलेक्ट्रिक करंट वहां पे कंज्यूम होगा, है ना. जैसे कि कल हमने बताया था ना इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि बल्ब है, ये बल्ब में बल्ब जैसे इसमें टंगस्टन की कॉइल है, यहाँ पे ऐसी कॉइल है, ठीक है. और ये बल्ब हमने किसमें लगाया है, सर्किट में लगाया. जैसे अभी सर्किट इस यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे. जैसे कि यहाँ पे मीटर कनेक्ट है एमएससीबी का, है ना. एमएससीबी का मीटर यहाँ पे कितना वोल्टेज सप्लाई करता है, इन दो टर्मिनल्स में 220, है ना, 220 वोल्ट्स को सप्लाई करेगा एक्चुअली, ठीक है. तो इसमें फ्लो होने वाला करंट कितना मिल रहा है, 0.45 मिल रहा है एक्चुअली. तो ऐसे यहाँ पे ये कितने समय तक चल रहा है, ड्यूरेशन उसका 10 घंटे तक, ठीक है. तो यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट करना है, यहाँ पे पावर फाइंड आउट करना है, सिंपल सा है. तो देखिए बेटा, तो गिवन वैल्यूज क्या है यहाँ पे, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे 220 वोल्ट दिया है, करंट यहाँ पे कितना दिया वाला है ये मालूम है, जिस जो दिया है तो हमने यहाँ पे पहले लिख के लेना है. चलिए, तो यहाँ पे इसी को लेकर अभी हम यहाँ पे इसको फाइंड आउट करेंगे, है ना. तो पावर की जैसे अपटर्न फॉर्मूला, पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, पी इज इक्वल टू वी इंटू ए, है ना. पावर दैट इज अ वाट, दिस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इंटू वी. पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 220. वी कितना है यहाँ पे, 0.45 वाट. दिस तो आने वाला आंसर यहाँ पे 99 वाट मिलेगा. तो देखिए बेटा, द बल्ब मस्ट बी यस ओके बी ऑफ पावर 99 वाट, ठीक है. कितने समय के लिए, 10 घंटे के लिए. तो 99 वाट इंटू 10 आवर्स, यस ये कितनी मिलेगी वैल्यू, 990 वाट आवर, वाट आवर, ठीक है. तो यहाँ पे आने वाला आंसर मिलेगा 0.99 किलो वाट आवर, ठीक है. तो यहाँ पे मिल रहा है. तो देखिए बेटा, ऐसे न्यूमेरिकल्स है, सिंपल सा है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए इसको 2-3 बार, बस जितने बार जब तक ये समझ में नहीं आता उतनी अच्छी तरह से यहाँ पे रीड करना है, बस उसको प्रैक्टिस करना है और फॉर्मूले को याद रखना है, ठीक है. और जैसे कि प्रॉब्लम न्यूमेरिकल हम रीड करते हैं प्रॉब्लम को, तो प्रॉब्लम को रीड करते समय यहाँ पे गिवन डाटा इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करके रखना है, क्योंकि इसके ऊपर हम फोकस करेंगे तो ऑप्टेन फॉर्मूला खुद ब खुद हमें मालूम होगा, ज्ञात होगा. और ऑप्टेन फॉर्मूला मालूम होगा तो हम केवल वैल्यू वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, और वहाँ पे कुछ मैथमेटिकल फंक्शन सिंपल से है, जैसे कि मल्टीप्लीकेशन है, डिवाइडेशन है ना, सिंपल फंक्शन है, वो फाइंड आउट करना है उसकी वैल्यू. और वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद में सबसे बाद यूनिट वहाँ पे रखना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है. तो यहाँ पे हम रुकेंगे, कल हम अगला पॉइंट्स देखेंगे. अगला पॉइंट्स कौन सा है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जस्ट ओके. सो वी विल सी टुमारो, ठीक है. थैंक यू बेटा.